कंप्लीटली सॉइल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी वाटर रिटेंशन यानी वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कैसा है। ऐसा तो नहीं आप पानी डाल दे रहे और वो पानी जो है ठहर ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है पॉट में, तो उसकी कंप्लीटली सॉइल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पीएच कितना रेंज है उसका, ठीक है, जनरली कहते हैं जैसे 6 से लेकर के आपका 69 या 8.5 तक का रेंज जो है वो सही माना गया है। ऑर्गेनिक कार्बन उसमें कैसा है, अवेलेबल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे उसमें कितने रेंजेस हैं, ठीक है, ये सारी चीजों पे आपकी सॉइल की क्वालिटी डिपेंड करती है। और सॉइल की क्वालिटी के ऊपर जो है फिश का प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है, ठीक है। पॉन्ड बॉटम इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी सिंस द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक मिनट, mineralization of organic matter and release of the nutrient to the overlying water takes place. आपका जो है पॉन्ड की बॉटम के ऊपर ही प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसका मिनरलाइजेशन जो है वो पॉन्ड के सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यही सॉइल जो है आप जब पानी डालते हो, जैसे ही पानी फिलअप करते हो पॉन्ड में, तो धीरे धीरे ये आपके पॉन्ड का जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिलीज करता है। इसी न्यूट्रिएंट को जो है प्लैंकटन्स जो है अपने खाने के तौर पे यूज करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, और इसी प्लैंकटन्स को फिश खाता है। तो इसीलिए इस तरीके से जो है पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी पॉन्ड के बॉटम का जो सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइमिंग क्या करता है, लाइमिंग हेल्प इन द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पॉन्ड सॉइल्स एंड दस इनहेंस द प्रोडक्टिविटी। वो आपका जो पॉन्ड सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, और इस तरीके से वो पॉन्ड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। वो पॉन्ड की लाइमिंग जो है पॉन्ड का पीएच को भी करेक्ट करता है। डिजायरेबल जो रेंज है जनरली 6.5 टू 7 है, कहीं पे 8 भी दिया रहता है, 8.5 भी लिखा रहता है, ठीक है। लाइमिंग, बहुत सारे लाइमिंग मटेरियल आपको अवेलेबल मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर लाइम जो कैल्साइट कहते हैं, डोलोमाइट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया या कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। क्विक लाइम वगैरह जो है बहुत ही ज्यादातर, या एग्रीकल्चर लाइम जो है जनरली लाइमिंग पर्पस के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है, ये सारे लाइमिंग मटेरियल है जनरली जो है एग्रीकल्चर लाइम या फिर क्विक लाइम जो है जनरली लाइमिंग पर्पस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका एक्शन जो है थोड़ा फास्टर होता है। नाउ द आपका जो है द डोज ऑफ पर्टिकुलरली वैरायटी ऑफ लाइम डिपेंड अपॉन इट्स इफेक्टिवनेस एंड सॉइल पीएच। आपको कितना आपका लाइमिंग करना है, कितना डालना है, चूना कितना डालना है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि सॉइल का पीएच कितना है, ठीक है। जनरली जो कहा जाता है आपका जनरल टर्म में कहा जाए तो आपके पॉन्ड सॉइल में जो है आपकी लाइमिंग जो करते हैं लगभग 200 टू 500 केजी पर हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर अगर पॉन्ड है, आप म्यूट कर लेना जिनका भी रोशन एंड सुदर्शन, म्यूट करो ओके, बिकॉज ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। सो जो आपकी जो लाइम है जनरली 200 से 500 किलोग्राम, यानी एक हेक्टेयर का अगर पॉन्ड है तो उसके लिए 200 से लेके 500 किलोग्राम का जो चूना है अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये आफ्टर एप्लीकेशन क्या होगा, लाइम जो होगा वो टॉप सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाएगा, आप उसमें थोड़ा लाइट प्लॉइंग यानी जो जोतोगे हल्के फुल्के जोत दोगे, तो उससे क्या होता है लाइम पूरे जो टॉप सॉइल जो ऊपर का जो सॉइल है उसके साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, ठीक है। क्विक लाइम इज प्रेफर्ड फॉर अप्लाइंग टू सॉइल एंड जो एग्रीकल्चर लाइम है, ठीक है, वो जनरली वाटर के लिए यूज किया जाता है। क्विक लाइम जो आपका है वो सॉइल के लिए जनरली अच्छा माना गया है, फास्टर इसका एप्लीकेशन है, मतलब जो भी वर्क ये करता है एक्टिविटीज वो क्विक लाइम बेटर करता है, और वाटर के केस में एग्रीकल्चर लाइम जो आपका है कैल्साइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जनरली यूज किया जाता है आफ्टर स्टॉकिंग। जनरली जो एग्रीकल्चर लाइम है वो स्टॉक करने के बाद डालते हैं, ठीक है, और ये क्विक लाइम जो है आपका स्टार्टिंग में जो लाइमिंग करते हैं सॉइल में जो डालते हैं उस समय डालते हैं।
लाइमिंग क्या करता है आपको, एक तो सॉइल का पीएच को करेक्ट करता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी मिनरलाइजेशन अच्छे से हो जाती है, ठीक है, जो भी आपका सॉइल में जो आपके फास्फोरस वगैरह है वो पॉन्ड में जाके रिलीज होता है, ठीक है, पॉन्ड को डिसइंफेक्ट करता है, यानी जो भी आपके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वो किल करता है, तो इस तरीके से पॉन्ड बॉटम को डिसइंफेक्ट करता है, तो लाइमिंग करने से ये सारे फायदे हैं, ठीक है। रिकमेंडेड डोज ऑफ लाइम, आपका जो लाइम है आपको अभी बताया ना मैंने कि जैसे आपका पीएच कितना है उसके आधार पे आपका लाइम का डोज डिपेंड करता है, तो अगर सॉइल का पीएच अगर 6.5 टू 7.5 है जो कि आप नियरली न्यूट्रल कह सकते हो, उसमें रिकमेंड डोज है कि आपका एक हेक्टेयर पॉन्ड में 200 kg आप लाइम अप्लाई करोगे, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक है यानी पीएच रेंज 5.5 टू 6.5 है, तो उस केस में आपको जो है एक हेक्टेयर पॉन्ड में लगभग 500 kg आपको लाइम अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपका जो है मॉडरेटली एसिडिक है सॉइल, यानी कि सॉइल की पीएच लगभग अगर 4.5 से 5.5 है, तो आपको एक हेक्टेयर पॉन्ड में 700 kg जो है आपको लाइम अप्लाई करना होगा, ठीक है। और अगर आपका स्ट्रांगली एसिडिक है यानी सॉइल पीएच अराउंड जो है 4 से 4.5 है, तो उस केस में आपका एक हेक्टेयर पाउंड में लगभग 1000 kg आपको लाइम अप्लाई करने की जरूरत है, ये उसके डोजेस है, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इस तरह से जो है डोजेस पूछे जाते हैं पीएच के आधार पे, ठीक है। नाउ इनऑर्गेनिक लाइमिंग तो कर दिया, अब फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत है, फर्टिलाइजेशन के लिए आपको पहले ही बताया इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो डालते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में दे आर द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जनरली आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो न्यूट्रिएंट्स हैं डिफरेंट फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं उनको डालने की जरूरत होती है, ठीक है। यूरिया या अमोनियम सल्फेट जो है वो नाइट्रोजन का सोर्स होता है, जबकि सिंगल और ट्रिपल फॉस्फेट TSSP जो बोलते हैं या SSP जो बोलते हैं वो फॉस्फोरस का सोर्स है, तो जनरली ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स हम जनरली डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लांकटन्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या करता है, प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ द, क्योंकि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है प्लांकटन्स के लिए, खासकर जो फाइटोप्लांकटन्स है उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रमोट करते हैं उसकी ग्रोथ को, ठीक है। और इसी फाइटोप्लांकटन्स को तो जू प्लांकटन्स खाता है, और ये फिशेज जो हमारी है वो फाइटोप्लांकटन्स और जू प्लांकटन्स दोनों को खाती है, ठीक है। तो एक तरह से ये फूड चेन है, आप लोग पढ़े हुए ऑलरेडी, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इस तरीके से जो है अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन करते हैं तो आपका ये फायदे पहुंचता है, ठीक है। देयर एक्शन इज वेरी फास्ट एंड व्हेन यूज इन एक्सेस क्वांटिटी, लेकिन कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अगर आप जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, ये जो फर्टिलाइजर है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसकी भी डोजेज है, उस डोजेज से अगर आप हाई जाओगे एक्सेस अमाउंट में अगर उसको दोगे तो क्या करेगा वो, फिर ब्लूम क्रिएट करेगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक लेयर आप देखे होगे बहुत सारे वाटर बॉडीज में जो है एक ग्रीन कलर का लेयर हो जाता है एल्गी का एक तरह से, ठीक है, एल्गी का पूरा काई जैसा टाइप का ऊपर फ्लोट कर रहा होगा ग्रीन कलर का, तो वो जो होता है उसका मतलब ये है कि उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है, हाई लोड ऑफ न्यूट्रिएंट उस पानी में अवेलेबल है, और वो जो है एक्सेस न्यूट्रिएंट होने की वजह से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो अपना नंबर बहुत ज्यादा फॉर्म करके ब्लूम एक लेयर तैयार कर लेती है, दैट इज कॉल्ड द मतलब एक तरह से ब्लूम कहते हैं एल्गी का ब्लूम पूरी तरह से उसकी सरफेस के ऊपर हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है सनलाइट नीचे नहीं पहुंचता है, सारा ऑक्सीजन जो है ये एल्गी ले लेती है, तो जू प्लैंकटन्स को सॉरी फाइटोप्लैंकटन्स को जू प्लैंकटन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलता फाइटोप्लैंकटन्स को, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, अपना जो है नंबर नहीं बढ़ा पाते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी इस तरह से हार्मफुल है, ये नहीं कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, ये नुकसान करती है, ठीक है। सनलाइट आपका नीचे तक नहीं पहुंचेगा, फाइटोप्लैंकटन्स को सनलाइट नहीं मिलेगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन नहीं क्रिएट कर पाएगा, इसी ऑक्सीजन को तो वाटर में जो है जो प्लैंकटन्स फिशेस वगैरह या फाइटोप्लैंकटन्स जो है रेस्पायर करने के लिए, ठीक है। तो हेस दे शुड बी यूज्ड कॉशली इन द फिश पॉन्ड, इसलिए जब भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देने लायक है कि कितना डोजेस डालना है, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंकटन्स क्विकली, ठीक है। एक मिनट, जो आपका कहा जाता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर में मतलब आ गया जैसे आपका
काउ डंग हो गया, पोल्ट्री मैन्योर हो गया, आपका जो पिग्री मैन्योर हो गया. पोल्ट्री मैन्योर मतलब कोई समझ रहा है? कोई बताओ. ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब क्या समझते हो, कोई बताओ. पोल्ट्री मैन्योर मतलब मैम जो पोल्ट्री कोई एक जन देखो, एक साथ सारी मत बोलो, एक सर एक साथ सारी मत बोलो, वन बाय वन बोलो. हाँ बोलो. मैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो निकलता है, क्या निकलता है? आवाज क्लियर नहीं आ रही विषया. बायोडिग्रेडेबल हाँ, ऑर्गेनिक हाँ एग्जाम्पल जैसे है एक्सक्रीटा, एनिमल्स की जो एक्सक्रीटा है, जैसे आपके मुर्गी के जो आपके जो बोलते हैं वो हो गया आपका पोल्ट्री मैन्योर मतलब वो हो गया. पिगरी मैन्योर यानी पिग्स के जो एक्सक्रीटा हो गया, काउ के जो एक्सक्रीटा काउडंग हो गया, ये सारी चीजें जो है दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक मैन्योर. ठीक है, तो आपका जो ये कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिक मैन्योर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, वो आपका बहुत हेल्प करता है फाइटोप्लैंक्टन्स के ग्रोथ के लिए. ठीक है, उसको प्रमोट करता है, और ये जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स आपके लंबे समय तक पॉन्ड में मतलब जो है अवेलेबल रहते हैं. और ये बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैन्योर का जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फाइटोप्लैंक्टन है बहुत लंबे समय तक आपके पॉन्ड में पाए जाते हैं. इसी फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स को फाइटोप्लैंक्टन्स को आपका ये जू प्लैंक्टन्स खाता है, और फिशेज जो है कुछ फिशेज फाइटोप्लैंक्टन्स भी खाती है, कुछ फिशेज जू प्लैंक्टन्स भी खाती है. तो उसका खाना इस तरीके से नेचुरल फूड जो बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जू प्लैंक्टन थ्रू आउट द आपका जो पॉन्ड में वो अवेलेबल रहता है, अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप कॉम्बिनेशन करके डालते हो तो. ठीक है, पॉन्ड फर्टिलाइजेशन. फ्राई एंड फिंगरलिंग ऑफ मोस्ट फिशेज सच एज कार्प फीड ऑन जू प्लैंक्टन्स, यानी ये जो फर्टिलाइजेशन करते हैं जू प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स जिसकी वजह से ग्रोथ, फर्टिलाइजेशन मतलब ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये हम डालते हैं, तो ये क्या होता है एज अ न्यूट्रिएंट के तरह एक्ट करता है, और इसी न्यूट्रिएंट को वो लेता है फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है, और वो अपने खाने के तौर पे इसको यूटिलाइज करके फिर अपना ग्रोथ और अपना नंबर बढ़ाता है. और जू प्लैंक्टन्स क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, तो इस तरीके से जू प्लैंक्टन्स भी फाइटोप्लैंक्टन्स को खा के अपना नंबर अपना तादाद जो है वो बढ़ाए रखता है. तो आप एक तरह से कह सकते हो तो फिश के जो नेचुरल फूड है यानी फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स, ये पर्याप्त मात्रा में जो है फर्टिलाइजेशन करने से पॉन्ड में अवेलेबल रहता है. ठीक है, फ्राई और फिंगरलिंग्स क्या होगा, जनरली जो कार्प्स के होते हैं वो जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं. सस्टेन्ड जू प्लैंक्टन्स प्रोडक्शन इन पॉन्ड कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका जू प्लैंक्टन्स अगर सही मात्रा में मतलब पर्याप्त मात्रा में जू प्लैंक्टन्स का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स या बैक्टीरिया वगैरह जो है कितना उस पॉन्ड में है जिसको जू प्लैंक्टन्स खा रही है. ठीक है, दिस इज मेंटेन थ्रू एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट. मैंने पहले भी बोला कि प्लैंक्टन्स के लिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पॉन्ड में होना पर्याप्त मात्रा में जरूरी है, क्योंकि इसी को वो यूज करके अपना जो है नंबर या ग्रोथ प्रोडक्शन डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है, प्लैंक्टन्स natural availability of this nutrient in pond will be inadequate. आपका जो है natural तरीके से तो ये आपके pond में available होगा नहीं. ठीक है, throughout the जो है आपके pond में ये पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिलेगा, इसलिए हम बाहर से एज अ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे इसे एड करते हैं या डालते हैं पॉन्ड में, क्योंकि नेचुरली ये वाटर में अवेलेबल पर्याप्त मात्रा में नहीं होता. ठीक है, इसलिए हम बाहर से ऐड करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे या ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे. ठीक है, हेंस दे नीड टू बी एडेड थ्रू एक्सटर्नल सोर्स फॉर सस्टेनिंग द गुड प्लैंक्टन ग्रोथ. न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू वाटर थ्रू ऑर्गेनिक मैन्योर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. ठीक है, यही न्यूट्रिएंट्स जो है आपका जो है ऑर्गेनिक मैन्योर के थ्रू मिलता है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के थ्रू मिलता है. न्यूट्रिएंट मतलब आपके जो आपके नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह कार्बन वगैरह जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए. ठीक है, ये आपको ऑर्गेनिक मैन्योर डालने से या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालने से ही मिलता है, और इसी न्यूट्रिएंट को जो है वो प्लैंक्टन्स यूटिलाइज करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खाता है. तो फाइटोप्लैंक्टन्स सही रहेगा तो जू प्लैंक्टन्स भी उसी अच्छी मात्रा में पाया जाएगा, और फिशेज के दोनों खाना अवेलेबल है, जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है,
ना ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑलरेडी पहले बता दिया बट फिर भी, ऑर्गेनिक मैन्योर आर रिच इन कार्बन एंड कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस इन स्मॉल अमाउंट. आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है बेटर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैन्योर में कार्बन जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और नाइट्रोजन फॉस्फोरस स्मॉल अमाउंट में. दे डिकम्पोज स्लोली एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट्स स्लोली. ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया यानी रॉ काऊ डंग हो गया या पोल्ट्री या मुर्गी के जो वीड्स होते हैं या पिग के एक्सक्रीटा हो गया या हॉर्स का डंग हो गया या काऊ के एक्सक्रीटा हो गया जो भी, ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, इसलिए वो न्यूट्रिएंट को भी धीरे धीरे रिलीज करते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक जो है पॉन्ड में न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे वाटर पॉन्ड के वाटर में रिलीज करते हैं, इसलिए बहुत लंबे समय तक ये रिलीज करते रहते हैं और इसलिए लंबे समय तक जो है प्लैंकटन्स को ये न्यूट्रिएंट मिलते रहता है और फाइटोप्लैंकटन्स अपना जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट लंबे समय तक करते रहता है. ज़ूप्लैंकटन्स मतलब एक तरह से कहो नेचुरल फूड जो है स्लोली न्यूट्रिएंट रिलीज करने की वजह से, ऑर्गेनिक मैन्योर जो न्यूट्रिएंट बहुत स्लोली रिलीज करते हैं उसकी वजह से ये प्लैंकटन्स भी बहुत लंबे समय तक न्यूट्रिएंट रिलीज करने की वजह से लंबे समय तक पॉन्ड में अवेलेबल रहता है, ठीक है. They promote the growth of zooplankton through saprophytic food chain. ठीक है, saprophytic food chain मतलब बताओ, कोई बताओ, पढ़े होगे ना तुम लोग. मैम डेड एंड डीकेइंग न्यूट्रिशन ऑप्शन saprophytic. मैम डेड और डीकेइंग मैटर. हाँ yes 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 डेड एंड डीकेइंग मैटर, ठीक है, जो आपका जो भी आपके फाइटोप्लैंकटन्स जो है आपका वो डेड होगा या डिके होगा उसको जूप्लैंकटन करेगा, ठीक है, तो बहुत सारे जूप्लैंकटन्स उसके सैप्रोफाइटिक फूड चेन के थ्रू जो है उनको फूड मिलता है और वो अपना ग्रोथ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्टली भी खाते हैं, बहुत सारे जो है डेड एंड डिके जो होता है उसको खा करके अपना जो है ग्रोथ करते हैं, ठीक है. दे प्रमोट सस्टेन ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंकटन्स, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो आपके फाइटोप्लैंकटन्स और जूप्लैंकटन्स को लंबे समय के लिए जो है पॉन्ड में मतलब अवेलेबल कराते हैं, मतलब क्योंकि वो धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, तो धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं और लंबे समय तक रिलीज होगा. कोई भी चीज अगर रिलीज ज्यादा अमाउंट में होगा तो वो ज्यादा देर तक नहीं होगा, ठीक है, अगर स्लोली हो रहा है तो लंबे समय तक होगा, तो लंबे समय तक अगर उसका न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा तो लंबे समय तक ये फाइटोप्लैंकटन्स और जूप्लैंकटन्स जो है आपके पॉन्ड में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है. सेवरल टाइप्स ऑफ मैन्योर सच एज काऊ डंग, पोल्ट्री लिटर, पिग डंग, हॉर्स डंग कैन बी यूज टू फर्टिलाइज द फिश पॉन्ड. मोस्ट कॉमन मैन्योर जो है फिश पॉन्ड में, जो जनरली आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर मोस्टली जो कॉमनली यूज की जाती है, दैट इज द काऊ डंग और पोल्ट्री मैन्योर, ठीक है. काऊ डंग जो रॉ काऊ डंग है, RCD भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह लिखा रहता है, ठीक है, इज जनरली अप्लाई एट अ रेट ऑफ 5 to 10 tons पर हेक्टेयर 15 डेज बिफोर स्टॉकिंग. यानी जो भी आप फिश स्टॉक करने वाले हो उस पॉन्ड, जिस भी पॉन्ड में तैयार हो गया है वो पॉन्ड, तो उस पॉन्ड में स्टॉक करने से पहले उसका खाना तैयार करने, आपने लाइमिंग किया, लाइमिंग करने के बाद जो है पानी का और सॉइल का पीएच वगैरह जो है सब कुछ उसका करेक्ट हो गया, जो भी हार्मफुल गैसेस था वो सब ठीक हो गया, तो अब मछली को डालने से पहले मछली का खाना तैयार करने की जरूरत है. यानी कि प्लैंकटन्स, चाहे वो फाइटोप्लैंकटन्स या जूप्लैंकटन्स हो, वो उसके पॉन्ड में होना चाहिए, तो उसके लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है, तभी उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा और ये पर्याप्त मात्रा में जो जूप्लैंकटन्स फाइटोप्लैंकटन्स ये अवेलेबल होंगे, ठीक है. तो आपका जो रॉ डंग है आपको फिश स्टॉक करने से 15 दिन पहले, अगर 1 हेक्टेयर का आपका पॉन्ड है तो 5 to 10 tons आपको रॉ काऊ डंग डालने की जरूरत है. इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन फेजेस, चाहे तो इस रॉ काऊ डंग को आप फेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो आपका 5 to 10 tons आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें से उसका 2/3 जो अमाउंट है एज अ बेसल डोज आप डाल सकते हैं पहले ही, ठीक है, उसके बाद क्या है सेकेंड डोज जो है 1 सप्ताह के बाद आप स्टॉकिंग जो स्टॉक कर रहे हो उसके 1 सप्ताह बाद जो है सेकेंड डोज आप डाल सकते हो, ठीक है, जो रिमेनिंग आपका है. पोल्ट्री मैन्योर क्या है, 2 to 3 times richer than cow dung होता है. आपका जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोल्ट्री मैन्योर में cow dung के कंपेयर में 2 to 3 times
पोल्ट्री मैन्यूर में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है. Hence, half of the cow dung is used when poultry manure is applied to the pond. इसलिए क्या होता है, क्योंकि पोल्ट्री मैन्यूर में जो आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस है cow dung की कंपैरिजन में 2 से 3 times उसके उसमें ज्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस पाया जाता है. इसलिए जो है अगर पोल्ट्री मैन्यूर आप अपने पॉन्ड में डालने वाले हैं तो उस केस में जब पोल्ट्री मैन्यूर डाल रहे हैं तो cow dung जितना डालना रहता है उसका जस्ट हाफ डालते हैं. ये cow dung मान लो 5 से 10 tons पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल रहे हैं ना, तो अगर आप उसमें पोल्ट्री मैन्यूर भी डालने वाले हैं तो उस केस में आप cow dung का जो अमाउंट होगा, जो क्वांटिटी होगा वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा, क्योंकि पोल्ट्री मैन्यूर में जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है ऑलरेडी काफी ज्यादा अमाउंट, मतलब 2 to 3 times रिचर होता है. ठीक है, मान लो समझ में आ रही है बात में क्या कहना चाह रही हूँ. हेलो स्टूडेंट्स, किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? नो मैम, आवाज नहीं आ रही. कब से नहीं आ रही है? बोला करो, आवाज नहीं आ रही है अभी, बस ये 15-20 seconds के लिए. ठीक है, जब आप मान लो कि सिर्फ cow dung डाल रहे हो तो ठीक है 5 से 10 tons 1 hectare के लिए डाला, लेकिन अगर सिर्फ cow dung के साथ साथ पोल्ट्री मैन्योर भी डालने वाले हो तो उस केस में आपका cow dung जितना डालने वाले हो उसका हाफ आपको क्वांटिटी डालना होता है. क्यों? क्योंकि पोल्ट्री मैन्योर जो होता है उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस लगभग 2-3 times पाया जाता है कंपेयर टू जो आपका cow dung है. ठीक है, तो cow dung में अगर मान लो नाइट्रोजन जो है, अगर मान लो आपका 50% नाइट्रोजन, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 50% नाइट्रोजन मिल रहा है तो पोल्ट्री मैन्योर में सीधे उसका 2-3 times आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिलेगा. तो इस वजह से क्या होता है कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप यूज कर रहे हो, पोल्ट्री मैन्योर और रॉ cow dung का, तो उस केस में रॉ cow dung का जो है क्वांटिटी आपको रिड्यूस करके हाफ करने की जरूरत है. ठीक है, नहीं तो फिर एक्सेस हो जाएगा, फिर वो फिर एक्सेस होने की वजह से फिर अल्गर ब्लूम डेवलप हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, नाउ कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स. मैंने बोला था ना जैसे कि आपको जो है आप पुराना पॉन्ड यूज कर रहे हो तो उस केस में बहुत सारे एक्वेटिक वीड्स आ जाएंगे. वीड टर्म ही आता है मतलब अनवांटेड. वीड का मतलब हो गया अनवांटेड, जिसको आपकी जरूरत नहीं है, आप उसको चाहते नहीं हो बट फिर भी वो अवेलेबल है. तो बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होंगे जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे, एक्वेटिक वीड्स होंगे. ठीक है, जो आपको जरूरत नहीं है. तो आप अगर पुराने पॉन्ड यूज कर रहे हो, पेरिनियल पॉन्ड वगैरह यूज कर रहे हो, तो उसमें ये एक्वेटिक वीड्स मिलेगा. तो उस केस में क्या करना होगा, अगर वैसे पॉन्ड को आप यूज करने वाले तो उसको हटाने की जरूरत है. नहीं हटाओगे तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा. क्या प्रॉब्लम करेगा वो मैं बताती हूँ अभी आगे चल के. पहले ये जान लो कि एक्वेटिक वीड्स जो है क्या क्या है. ठीक है, आपके जो है फ्लोटिंग, इमर्जेंट, सबमर्ज, मार्जिनल, दीज आर द टाइप ऑफ द एक्वेटिक वीड्स. ठीक है, फ्लोटिंग टाइप्स में कौन कौन सा आ जाता है? ठीक है, पिस्टिया, इकॉर्निया, अजोला, लेमना. इसका भी एक अलग से क्लास होगा जिसमें इसको डेफिनेशन सहित बताया जाएगा. ठीक है, फ्लोटिंग है तो उसका क्या है, आपका जो ऊपर पे सरफेस पे फ्लोट कर रहा होगा. ठीक है, फ्लोटिंग है. निम्फिया वगैरह क्या, इसके रूट पोर्शंस बॉटम में रहते हैं लेकिन इसके लीव्स एंड जो फ्लावर्स है वो ऊपर फ्लोट करते हैं, वो सरफेस से ऊपर पाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो हो गया आपका निम्फिया निलंबियम, जो आपका वाटर लिली वगैरह जो होता है, लोटस हो गया, दैट कम्स अंडर द इमर्जेंट. फ्लोटिंग में आ गया आपका पिस्टिया हो गया, जलकुंभी जो एकॉर्निया बोलते हैं, अजोला, लेमना, ये सब फ्लोटिंग टाइप ऑफ एक्वाटिक वीड्स है. सबमर्ज, जो कम्प्लीटली आपका पूरी तरह से सबमर्ज्ड हो वैसे टाइप के एक्वेटिक वीड्स, जैसे हाइड्रिला हो गया, पोटामोजुटियन हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ये सारे सबमर्ज टाइप ऑफ एक्वेटिक वीड्स हैं. मार्जिनल, जो मार्जिनल एरियाज, शैलो एरियाज में पाए जाते हैं. ठीक है, आइपोमिया हो गया, दिस इज द फिगर ऑफ द आइपोमिया. मार्शिलिया हो गया, ये इस टाइप का, उसका जो है 4 quadrant टाइप के इसके 4 लीव्स रहते हैं, दैट इज मार्शिलिया, टाइफा, कोलोकेशिया, ये सारे मार्जिनल टाइप ऑफ एक्वेटिक वीड्स हैं. तो इस तरह के कुछ कॉमनली टाइप के एक्वेटिक वीड्स आपके पेरिनियल पॉन्ड में पाए जाते हैं. तो अगर आप पेरिनियल पॉन्ड यूज कर रहे हो उसमें इस तरह के एक्वेटिक वीड्स हैं तो उनको रिमूव करने की जरूरत है, वरना जो है ये प्लांट्स जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है. पहली बात, ये प्रीडेटरी वीड फिशेस के लिए जो हाइडिंग हाइड करने के लिए, जो छुपने के लिए जगह बनाता है, नेटिंग करने में प्रॉब्लम करेगा. जो भी न्यूट्रिएंट्स आपका जो सॉयल रिलीज कर रहा है उसको ये यूटिलाइज कर लेगा. ठीक है,
फिर ये शेड प्रोवाइड करेगा तो सनलाइट प्रॉपरली अंदर तक नहीं जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स को सनलाइट ठीक से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है एक्वेटिक वेस्ट प्रॉब्लम करता है, इसलिए उसको हटाने की बहुत जरूरत है। कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वेस्ट, लार्ज अर्दिन पॉन्ड्स आर यूजुअली इन्फेस्टेड विद सबमर्ज इमर्जिंग फ्लोटिंग एंड मार्जिनल वेस्ट। जो आपके बड़े बड़े जो अर्दिन पॉन्ड्स हैं उसमें ये आपको इस तरह के जो टाइप्स ऑफ एक्वेटिक वेस्ट हैं वो पर्याप्त मात्रा में आपको देखने मिलेंगे, पूरे फैले हुए रहते हैं, ठीक है। और ये वीड्स क्या करता है एक्चुअली, वो फिश पॉन्ड में अगर रहेगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दे कॉम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट विद फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स का जो न्यूट्रिएंट है उसको वो यूटिलाइज करेगा, तो एक तरह से वो कॉम्पिटिशन दिया, देयर बाय रिड्यूसिंग द नेचुरल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स जो है आपका नेचुरल प्रोडक्टिविटी को शो करता है, वो नहीं रहेगा तो फिश को खाना नहीं मिलेगा फाइटोप्लैंक्टन्स अगर नहीं रहेंगे तो, और फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए न्यूट्रिएंट होना चाहिए, और ये अगर प्लांट रहेगा एक्वेटिक वीड्स तो ये न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेगा, तो फाइटोप्लैंक्टन्स का ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये सब जस्ट अभी जस्ट मैंने जो बताया उसी चीज को लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिवेंट लाइट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब लाइट जो है नीचे तक नहीं जाएगी अगर ये एक्वेटिक वीड्स है, और इस वजह से लाइट्स नहीं मिलेगा तो आपका फाइटोप्लैंक्टन है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा एंड हेंस सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। दूसरी बात है कॉज ऑक्सीजन सुपर सैचुरेशन ड्यूरिंग डे, ठीक है। आपका जो है फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करेगा, साथ ही साथ ये भी जो आपका एक्वेटिक वीड्स है वो भी दिन के समय में फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो वो सुपर सैचुरेशन कॉज कर सकता है ऑक्सीजन का, ठीक है। और ड्यूरिंग क्या होगा, नाइट के टाइम पे, क्योंकि नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, ठीक है, तो उस समय जितना भी ऑक्सीजन है, दिन के समय में तो फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन आपका जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस अगर ये एक्वेटिक वीड्स है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वजह से ऑक्सीजन का सुपर सैचुरेशन हो जाएगा जो फिश के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अगर नाइट के समय क्या होगा कि कोई फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, फिश भी ऑक्सीजन, फिश को भी चाहिए, फाइटोप्लैंक्टन्स को भी चाहिए, ये एक्वेटिक वीड्स को भी चाहिए, तो ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी नाइट में, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपको फिश का इफेक्ट, फिश को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका वीड है वो नुकसान पहुंचाता है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स और प्रेडेटरी फिशेस के लिए ये हाइडिंग स्पेस होगा, उसको ये आराम से जगह प्रोवाइड करेगा। आपका जो भी फिश के मूवमेंट में वो हिंडर मतलब जो है बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है, फिश का मूवमेंट फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाएगा, उसको नुकसान करेगा, उसके लिविंग स्पेस को रिड्यूस करेगा, ठीक है, फिश का। कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग बाय हिंडरिंग द नेटिंग ऑपरेशन। आप जब मछली को निकालने वाले हो, ठीक है, हार्वेस्ट करने वाले हो, नेटिंग करने वाले हो, उस समय ये प्लांट्स वगैरह जो है आपको बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। इंक्रीज सिल्टेशन इन पॉन्ड, आपका जो है धीरे धीरे सिल्टेशन, सिल्ट का जो डिपोजिशन है वो ज्यादा होते जाएगा, ठीक है, और वो डिपोजिशन होते जाएगा तो फिंड पॉन्ड का जो डेप्थ है वो धीरे धीरे समय के साथ रिड्यूस होता जाएगा, तो वाटर का डेप्थ रिड्यूस होता जाएगा, तो फिर नुकसान है ना। तो इस तरीके से जो है एक्वेटिक वीड्स जो है नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए उसको हटाने का बहुत जरूरी है। आप अगर स्टॉक करने वाले हो तो ये सारी प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट आपको ध्यान देने लायक है, ठीक है। देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स नीड टू बी कंट्रोल्ड एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस इन फिश पॉन्ड, इसलिए उनको हटाने की बहुत जरूरत है। नाउ कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स, यही चीज जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक्वेटिक वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एम्प्लॉइंग मेथड, मैनुअली कर सकते हो, हाथ से पिक करके फेंक रहे हो, मतलब हाथ से निकाल करके उखाड़ के, हाथ से उखाड़ के मैनुअली मतलब हैंड पिकिंग, यानी हाथ से उखाड़ के फेंकना, मैकेनिकल मीन नेटिंग वगैरह यूज करके, नेट वगैरह यूज करके, केमिकल यूज करके, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीडिसाइड्स आते हैं, बायोलॉजिकल यानी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज जिसको, बहुत सारे ऐसे फिशेज हैं, एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि आपके एक्वेटिक वीड्स को खाते हैं, उनको आप छोड़ दोगे तो फिर वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। द मेथड सेलेक्टेड डिपेंड अपॉन द फैक्टर, ये जो आपको एक्वेटिक इंसेक्ट्स को जो कंट्रोल करने का जो मेथड है, मैनुअल, मैकेनिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, पॉन्ड का साइज क्या है, आपका वीड का जो इन्फेस्टेशन यानी वीड जो फैला हुआ है आपके पॉन्ड में वो कितने एक्सटेंट तक है, थोड़ा है फैला हुआ या पूरा पॉन्ड को कवर किए हुए है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
आपको कितने टाइम के अंदर, मतलब आपके पास कितना टाइम बाकी रह गया, आपको कब से स्टार्ट करना है, बहुत कम टाइम है आपको स्टॉक करना है, तो उस हिसाब से आपको टाइम कितना आपके पास अवेलेबल है, और आपको मतलब क्योंकि टाइप्स जो है आपके मेथड जो है उसके ऊपर आपका कॉस्ट भी वेरी करता है, तो आपको कितना लागत, आपको कितना खर्च कर सकते हो, आपके पास कितने पैसे हैं, कितना उसमें खर्च करना चाहते हो, उसके ऊपर भी आपका ये मेथड डिपेंड करता है। ठीक है, कंट्रोल मैनुअल मेथड, मैनुअल जो आपको बोला यूजिंग बैम्बू नेटिंग करके या फिर हैंड पिकिंग करके, ठीक है, आपका जो है इन्वायरमेंटल में कह सकते हो ब्लैक पॉलिथिन शीट कवरिंग करके भी इन्वायरमेंटल तरीके से, केमिकल जो हो गया आपका, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक अलग से मैंने इन्वायरमेंटल भी डाला जिसमें आप ब्लैक पॉलिथिन शीट कवर करके जो है आपको उससे भी कर सकते हो, उससे क्या होगा सनलाइट नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा तो एक्वेटिक वीड्स जो है वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर जाएंगी। ठीक है, और मैनुअल तो आपका मैकेनिकल में आपका ये मैनुअल में लिखा है, लेकिन मैकेनिकल मैनुअल में हैंड पिकिंग आता है, और मैकेनिकल में बैम्बू जो आपका बैम्बू को यूज कर सकते हो या नेटिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, केमिकल में हो गया क्या हो गया, आप जो है केमिकल जैसे आपका एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको 10:15 10 से 15 ppm यानी कि 1 ppm इज इक्वल टू, कुछ पता है आपको कितना मिलीग्राम पर लीटर होता है? हेलो, 1 ppm इज इक्वल टू 1 ppm का मतलब होता है 1 ppm per liter, यानी एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन जो है अगर 1 liter के पानी में आपको डालना है तो 1 milligram आपको जो है डालना पड़ेगा। तो यहाँ 10 से 15 ppm का मतलब हो गया कि 1 liter में 10 से 15 milligram आपको जो है एक्वस सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से आपका कॉपर सल्फेट जो है 0.2 से 0.5 ppm या फिर आप डाल सकते हैं 2,4-D यानी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, उसका जो डोज है 7-10 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 1 hectare के लिए आपको 7-10 kg डालने की जरूरत है। ठीक है, बहुत जगह जो है मैनुअली और मैकेनिकल टर्म्स जो है एक साथ यूज किया जाता है। ठीक है, बट एक्चुअली क्या है कि मैनुअली मतलब होता है कि हैंड पिकिंग के थ्रू, और मैकेनिकल मीन्स मतलब हो जाता है, ठीक है, कि जो आपका पहला वाला स्लाइड बताया था मैनुअली मतलब हैंड पिकिंग वगैरह होता है, और मैकेनिकल बहुत जगह जो ये दोनों टर्म हटा करके सिर्फ मैनुअल वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, मैकेनिकल टर्म जैसा कोई बहुत जगह आपको देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ मैनुअली बायोलॉजिकली एंड केमिकली लिखा जाता है, तो उस केस में इस जगह पे मैनुअल में आपका नेटिंग भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे इसको 4 मेथड में डिवाइड किया जाता है, मैनुअल मैकेनिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मैनुअल मतलब हैंड पिकिंग, मैकेनिकल मतलब जो आपका बैम्बू वगैरह यूज करते हैं या आपका नेटिंग यूज करते हैं, केमिकल में केमिकल्स यूज करते हैं, बायोलॉजिकल मतलब कि आपका बायोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म को यूज करके एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और एक जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे मैंने डाला है दैट इज द आपका इन्वायरमेंटली, यानी ब्लैक पॉलिथीन शीट कवरिंग करके। बायोलॉजिकल में क्या करना है आपका, ग्रास कार्प वो आपके एक्वेटिक वीड्स को खाता है, स्नेल बहुत सारे ऐसे स्नेल हैं जो एक्वेटिक वीड्स को खाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एक्वेटिक वीड्स को खाते हैं, तो उसको आप डाल सकते हो ताकि ये एक्वेटिक वीड्स कंट्रोल हो सके। ठीक है, नाउ इरेडिकेशन ऑफ प्रेडेटरी एंड वीड फिशेस, प्रेडेटरी फिशेस एंड वीड फिशेस, पहले आपको एक फिगर दिखा दूं, प्रेडेटरी एंड वीड फिशेज जो कि अनवांटेड फिशेज हैं। ठीक है, प्रेडेटरी फिशेज वैसे फिशेज हैं जो आप फिश को स्टॉक जो आपने कल्चर करने वाले हो वैसे फिश को वो नुकसान पहुंचाती है, उसको इंजोर करती है, उसको चोट पहुंचाती है, उसको खा जाती है। ठीक है, वीड फिशेज उसको खाती नहीं है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेडेटरी एंड वीड फिशेज, वीड फिशेज कभी खाती ही नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, जो भी फिश स्टॉक करने वाले हो उसको कॉम्पिटिशन देती है स्पेस के लिए, फूड के लिए, उसका फूड खा जाएगी, उसका स्पेस यूज करेगी। ठीक है, तो वीड फिशेज में क्या क्या हो गया, पुंटियस, एम्बेली फेरिंगडॉन, मोला स्पीसीज हो गया, कोलाशियस हो गया, ऑसिगैस्टर स्पीसीज है। प्रेडेटरी फिशेज में चाना है, एनाबस है, बलागा टू है, मिस्टर स्पीशीज है। ठीक है, ये जैसे एक पुंटियस का है फिगर, ये आपका हो गया एनाबस का, ये आपका चाना स्पीशीज हो गया। ठीक है,
तो प्रीडेटरी स्पीशीज क्या है? प्रीडेटरी फिश सीवियरली अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द फिश प्रिमरली इन नर्सरी एंड रियरिंग पॉन्ड. वो जनरली जो है नर्सरी और रियरिंग पॉन्ड में, क्योंकि उसमें साइज बहुत छोटा होता है, तो उसको ये प्रीडेटरी फिशेस बहुत नुकसान पहुंचाती है. कभी उसका फिन टेल हर तरीके से उस पर हमला करेगी, उसको खाने की कोशिश करती है, बहुत जगह इंजरी पहुंचाती है. ठीक है, वीट फिशेस क्या करता है, वो कॉम्पिटिशन पे जो आप स्टॉकिंग करने वाले हो ना, जो स्टॉक फिश, उसको वो एक कॉम्पिटिशन देता है. उसका फूड स्पेस ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज कर लेता है. और क्या होगा, जब उसका ये यूटिलाइज होगा, जो आप फिश स्टॉक करने वाले हो उसका ग्रोथ को, उसका रिप्रोडक्शन को वो डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से वो कॉम्पिटिशन फेस करती है. कॉमन प्रेडेटरी फिशेस क्या है, मरल हो गए, कैटफिश हो गए, वलागर अटू, क्लैरियस बट्रैकस, हेट्रोप्न्यूस्टिस फॉसिलिस हो गया, ओम्पक हो गया, दीज आर द कॉमन प्रेडेटरी फिशेस विच यू विल फाइंड इन द पॉन्ड. ओके, विल फिशेस में पुंटियस, बार्बस डैनियो, अपोलो चिलर्स, एनाबस एक्सेट्रा वगैरह, ये सारे वीट फिशेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मोस्ट प्रेडेटरी एंड वीट फिशेस ब्रीड प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ कार्प ब्रीडिंग. जब आप जनरली हम जो कार्प करते हैं, कार्प मतलब जो IMC वगैरह करते हैं, IMC या EMC, इंडियन मेजर कार्प, जिसमें कतला रोहू मिगाल है, या EMC हो गया, एक्सोटिक मेजर कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प जो है, ये सब जो फिशेज हैं. तो जनरली कार्प ब्रीडिंग के समय जो है आपका, जब उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट होने वाली रहेगी, उससे पहले ये क्या होता है कि और किस तरीके से, मतलब ये जो प्रीडेटरी और वीट फिशेज है, ये तो आप जो स्टॉक करने वाली फिशेज है उसको नुकसान तो पहुंचा ही रही है. एक तो उसके साथ वीट फिशेज कंपटीशन दे रही है फूड स्पेस ऑक्सीजन को लेके, प्रीडेटरी उसको खा जाती है.